तो बॉयज कैसे, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कि मैं आप लोगों के लिए गाड़ी लेके आया हूँ, विली जीप लेके आया हूँ। काफी सारे लोग हैं जिनको पजेरो या 4x4 का शौक होता है, तो आज इन लोगों के लिए मैं गाड़ी लेके आया हूँ। आज इन गाड़ी के ऑनर भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने गाड़ी को कब ली थी, कौन सा मॉडल है और उन्होंने इसके ऊपर क्या मॉडिफिकेशन की है। बरह आज वीडियो में थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है, आप लोगों को वीडियो देख के पता भी चल रहा होगा कि गला ख़राब है, तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने कम्प्रोमाइज़ करना है। तो मिलते हैं गाड़ी के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा माजिद भाई, हमें बताएं कि आपने जो जीप रखी हुई है इसके बारे में बताएं कि आपने कब ली थी और इसका मॉडल कौन सा है और आपने इसके ऊपर क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई हैं? सर ये 1942 मॉडल है। सही, ये सारी मॉडिफाइड करवाई हुई है। वैसे कोशिश यही की है इसको ओरिजिनल हालत में बनाए, लेकिन फिर भी इसको मॉडिफाइड आज की तरफ मैं अपने यूज के लिए रखा हुआ है इसको। ये सारा इसका जो थी ये ग्रिल है, 1942 मॉडल की जेन्युइन ग्रिल है। सही, इसके बाद ये लाइट लगवाई हुई है, 12 की रोल बार इंस्टॉल करवाई हुई है। सही, नीचे ग्राउंडिंग पे इस पे सारे लाइटिंग वगैरह करवाई हुई है, सारा चिमटे कमाने इसका सारा सस्पेंशन ओवरऑल करवाया हुआ है, ठीक हो गया। और 2C डीजल इंजन इंस्टॉल है, पहले इस पे 3S इंजन था, अब इस पे 2C डीजल इंस्टॉल करवाया हुआ। अच्छा, इसके फ्रंट के ऊपर मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने स्क्रीन वगैरह लगवाई हुई है, तो इसके फ्रंट के जो कि स्क्रीन वगैरह ये पार्ट्स वगैरह आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट से? हमें थोड़ा यहाँ पे क्योंकि मुल्तान में मुश्किल होता है, तो ज्यादातर सामान इसका हमें पिंडी से या लाहौर से मंगवाना पड़ता है। अच्छा, वहीं से आप मंगवाते हैं? हाँ भाई। अच्छा, इसके फ्रंट के ऊपर सिर्फ आपने लाइट बार वगैरह सारी आपने इसको टोटल जेन्युइन रखा हुआ? टोटल जेन्युइन रखा हुआ है, इसको पेशावर का नंबर है। सही, नाम पे इस पे कंप्यूटराइज बुक वगैरह है, कंप्यूटराइज नंबर प्लेट है, हर चीज नंबर वगैरह इसको डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी साइड प्रोफाइल में भी आप हमें बता दें कि आपने इसकी साइड प्रोफाइल में मेरे ख्याल में जो देख रहा हूँ ऑफ रोड व्हील लगवाए हुए हैं सारे, ये टायर वगैरह इस पे पहले इसके जानवर जो मड टायर जो होते हैं वो ऑफ रोडिंग के लिए वो भी ठीक होते हैं, लेकिन इसको ऑफ रोड टायर वगैरह इंस्टॉल करवाए थे हमने इस पे, क्योंकि ऑफ रोडिंग हंटिंग वगैरह के लिए ये जबरदस्त टायर है। सही, इसके मतलब अच्छे मतलब एवरेज वगैरह भी ठीक दे देती है, क्योंकि आजकल इस पे मैंने सोचा हुआ था भाई बड़े ट्रैक्टर गुडी वाले जो उनसे होते हैं टायर वो लगवा दें, लेकिन वो उस पे थोड़ा हमें फ्यूल कंजप्शन अच्छी नहीं देती, इस वजह से ये टायर बेस्ट है इसके लिए। सही, तो सस्पेंशन इसकी आपने मतलब वो भी बाहर से ही रिसोर्स किया या? मोस्टली इसका सस्पेंशन जेन्युइन ही है, ठीक है, सस्पेंशन जेन्युइन है, कमानी है इसकी सारा। अच्छा, कमानी जो रेड कलर की मैं देख रहा हूँ, ये अगर आप व्यूअर्स देखें ये शॉक्स है। अच्छा, ये शॉक्स आप और नीचे सारी कमानी है, शॉक्स और कमानियों पे है, ठीक हो गया। अच्छा, एक और मजबूत हमें बताएं कि जिस तरह की साइड प्रोफाइल पे आपने छोटा सा बेलचा लगवाया हुआ है, क्योंकि इसके साथ अमेरिकन जीप्स है, क्योंकि इनके साथ बेलचे कमानी आती थी, बिल्कुल, तो वैसे जेन्युइन बेलचा तो नहीं है, लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन के लिए हमने इसको ये एक लुक दिया, एक टच दे दिया ये बेलचे वाला, तो ये काम भी आती है अगर कभी आप कहीं फंस जाए तो? नहीं, वैसे ऑफ रोडिंग के लिए जाए हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना मोस्टली यूजेबल नहीं। सही सही, जबरदस्त। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ इसके अंदर, मतलब ये जो सी इसमें सीट्स आती है, इसकी जर्मन जो सी सीट्स होती है वो छोटी होती है इसकी सीट्स। अब ये जो सी आफ्टर मार्केट इसमें सीट्स इंस्टॉल करवाई हुई है, ये बकेट सीट आपने इंस्टॉल करवाई हुई है? बकेट सीट इंस्टॉल करवाई हुई है। इसके अलावा ये डबल लेदर, ये जो सी इसकी ग्राउंड फ्लोर पे मैटिंग करवाई हुई है, डबल लेदर की करवाई हुई है। सही, मतलब इसके नीचे एक अपना जर्मन इसका कार्पेट है, उसके ऊपर लेदर मतलब लेदर कार्पेट करवाया हुआ है। सही, इसके अलावा ये एक्सपेंसिव सीट्स इंस्टॉल करवाई है, ये भी पिंडी से मैंने मंगवाई थी। अच्छा, ये भी आपने बाहर से रिसोर्स की है? ये भी पिंडी से मंगवाई है। इसके अलावा मेरे पास पराडो का साउंड सिस्टम इंस्टॉल करवाया हुआ है। सही, जेन्युइन कैनवुड के स्पीकर वूफर और ये एम्प इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। सही। अच्छा, इसका एक और फायदा भी हो गया, देखिए व्यूअर्स अगर यहाँ पे मतलब आप इधर पीछे बिठाते हो तो यहाँ पे भी आप मेरे ख्याल एक एक्स्ट्रा सीट बन जाती है, बैठने के लिए कम्फर्टेबल भी है इसके, ये देखते हैं आराम से 2 से 3 बंदे यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये अगर रिमूव करना चाहे तो इजीली रिमूव हो जाते हैं? रिमूव मतलब ये देखें यहाँ से ये जो चीज है इसके लॉक्स हैं, लॉक्स आप ये हटा सकते हैं, ये हट सकता है, तार खोल के। सही, जबरदस्त, ये उठ सकता है, ठीक है। आगे पीछे में आपको ये इसका जो सा जेरी कैन है ये डीजल के लिए भी काम आता है, लेकिन मोस्टली हमने ये सिर्फ खूबसूरती के लिए अटैच किया, क्योंकि ये जीपों की खूबसूरती इन्हीं की वजह से होती है। एक जी और एक स्पेयर व्हील, हाँ जी, टैंक्स की वजह से। सही, इसका व्हील इंस्टॉल करवाया इसमें, तो ये क्रोम का लुक दिया हुआ बैक से, इस पे भी क्रोम लुक का क्रोम नट्स दिए हुए इस पे। बिल्कुल ऐसे ये देख सकते हैं गाइस के ये, क्योंकि ये जो अक्सर व्हील्स जीप की जो निशानी होती है वो यही है, और इसकी खूबसूरती इसका ये रेयर टैंक हो गया और एक
जो इसका स्पेयर व्हील इसकी बैक साइड पे होता है। आपको लाइट्स नजर आ रही है, सारी लाइट्स इसकी वर्किंग में है। सही, मतलब टोटल जेन्युइन आपने गाड़ी अभी तक रखी हुई है। टोटल जेन्युइन, ये बैक लाइट्स इसकी जेन्युइन 1942 में भी जेन्युइन लाइट्स इसकी यही आती थी। अब कुछ हद तक मैंने जो कि आपको बताया इसकी मतलब कुछ लोग हमने लाइट्स जो की है इसको जेन्युइन रखा है, इसको मॉडिफाइड करके लाया। सही सही, बाकी जो लाइट्स है कुछ हो गया। अब ये जो इसके ये पार्ट्स है ये जेन्युइन में आते हैं। सही, अब ये हमने इसको मॉडिफाइड वगैरह हवाले से किया हुआ है। अगर कोई ये वैसे तो मोस्टली फैमिली कार नहीं है, फैमिली जीप नहीं है ये। सही, ये मतलब बारिश में ऑफ रोड में मतलब काम आती है। अगर कोई फैमिली के साथ इस पे जाना चाहे तो इसके हवाले से ये हम ये जो से इस पे पाइप दिए हुए हैं। ये स्टैंड इसका आप ऊपर करके तो स्टैंड ऊपर रूफ भी इस पे इसका मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, वो भी आप मतलब परचेजर है अगर कोई लेना चाहेगा रूफ अवेलेबल है, अगर इसको उठा के रूफ इसका इजीली इंस्टॉल हो सकता है। सही हो गया, जबरदस्त। तो अच्छा, हमें माजिद भाई एक और चीज बताएं कि जिस तरह के आपने गाड़ी के इंटीरियर में भी चेंजिंग करवाई हुई है तो भी हमें आके बताएं कि उसके अंदर आपने क्या क्या चेंज करवाया हुआ है। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, इसमें MP3 जो सा मैंने इंस्टॉल करवाया, इसमें ब्लूटूथ USB और ऑक्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। सही, और मतलब ऑफ रोड में मतलब आपको तंग नहीं करता, मतलब इस वजह से मतलब जिधर मर्जी जा रहे हैं आपको, आप बारिश में भी ये आपको मतलब फिट काम देता है, जिसको कहते हैं ये वाटर प्रूफ टेप है। अच्छा, ये वाटर प्रूफ है, मैं वही देख रहा था। मतलब इसमें बारिश में भी आपको ये ना कोई खराब होती है ना ये डेड वाला सीन इसमें नहीं है। सही, इसके अलावा ये स्टेयरिंग है, कोशिश हमने यही की थी इसपे स्टेयरिंग जोन सा है वो जनरल लगवा दे, लेकिन इसका वो नहीं हो सका। वो स्टेयरिंग मेरे पास मौजूद है, अगर कोई भाई लेना चाहे वो स्टेयरिंग वो भी लगवा सकता है इसपे। सही, क्योंकि मैंने नहीं करवाया। और ये पावर स्टेयरिंग है, पावर की मोटर वगैरह इसपे इंस्टॉल है। सही, मतलब कोई मतलब इसपे वो जोर वाला सीन नहीं है, एक उंगली के साथ भी आप इसको घुमा सकते हैं, इजिली रिमूवेबल है, मतलब मूवेबल है। ठीक है जी, हाँ मैं आपको इसका इंजन भी विजिट करवा देता हूँ। सही, इसका इंजन हमें जो सा इंजन इंस्टॉल करवाया हुआ है वो 2C का डीजल इंजन है। सही, पहले इसमें जो सा 3S पेट्रोल था। ठीक है, क्योंकि वो फ्यूल कंजम्पशन अच्छे नहीं दे रहे थे, 2C डीजल इंजन है इस पे जो इन सिटी आपको कम से कम 13-14 एवरेज दे रहा है। सही, और मतलब लॉन्ग पे 16-17 इजीली हमें इसकी फ्यूल कंजम्पशन मिल सकती है। अच्छा, 17-18 आपको लॉन्ग पे एवरेज देती है गाड़ी। अच्छा, तो ये भी बताएं हमारे व्यूअर्स को, जब पेट्रोल पे थी गाड़ी तब आपको ज्यादा इसका अच्छे परफॉर्मेंस मिलती थी या अब जब डीजल पे है? पेट्रोल पे है, इसलिए ये होता है कि वो क्योंकि वो बारिश में मतलब जो इसका पेट्रोल इंजन है वो इतना कामयाब नहीं है, दूसरी डीजल इंजन जीप्स के लिए मतलब परफेक्ट है। सही सही, तो इस इंजन ने आपको स्वैप करने के बाद तंग तो नहीं किया ज्यादा? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो ये जो सारा रिव्यू था मैंने आप लोगों को दे दिया इसका रिव्यू, जो इसका पेंट मैंने करवाया हुआ है वो 3D मेटालिक पेंट है, इसका दानेदार पेंट जो सब भट्टी पेंट है वो मैंने करवाया हुआ है। सही, मतलब दिन में आपको कोई और लुक देगी, रात को मतलब आपको मतलब मल्टी शेड्स है, मतलब पर्ल्स आपने डलवाए हुए इसके अंदर? हां जी, मल्टी शेड्स है, कलर के जो मल्टी शेड्स आपको दिन में और शाम को रात को और मतलब कलर मिलते हैं। ठीक है, अच्छा जी जी, रिव्यूज वही है जो मैंने आपको दे दी है, जो भाई लेना चाहता है जो परचेजर है मतलब ख्वाहिशमंद है जीप्स के, जो चीज़ जीप्स को समझते हैं वो मुझसे रब्ता कर लें इस नंबर पे 0300-638-5968। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा माजिद भाई, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। I just need to know.